क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? शायद आजकल मैं ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। मैं अपने गुरुदेव से मिलने जा रहा हूँ। ओके बॉस। मौसम में बदलाव। ये मौसम को अचानक क्या हो गया? नहीं, वानी जल्दी से मौसम की रिपोर्ट दो। पूर्वी भारत के कई इलाकों में सर्दी है और कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। वहीं दक्षिण और उत्तरी भारत में बर्फीले तूफान होने की संभावना है। सही जानकारी देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मौसम लगातार बदल रही है। वार्निंग, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। वानी ऑक्सीजन की मात्रा नियंत्रित करो। ऑक्सीजन की मात्रा नियंत्रण में है। मुझे उन इलाकों में जाके पता लगाना पड़ेगा आखिर क्या है इस बदलते मौसम का कारण। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा तो ऑक्सीजन की कमी इस वजह से हो रही है जो इन पेड़ पौधों को धीरे धीरे मार रही है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। अगर मैं इन जड़ों का पीछा करूं तो शायद मुझे इन सब की सही वजह का पता चल जाए। तो ये है साले फसाब की जड़। मेरा मतलब है पेड़। तुम कौन हो? मैं हूं एकलव्य। क्या कहा? एकलव्य? जरा अपना हाथ बिठाना, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अंत में कोई तो मिला जिसमें उस महान धनुधारी को याद है, वरना इस संसार के भीड़ में उसकी वीरता, उसकी कहानी सब धुमला सी यही है। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है बल्कि एक दैत्य है जो इन पेड़ पौधे के नष्ट होने का कारण है। तुम जिस राक्षस से लड़ रहे थे वो इसकी रक्षा कर रहा था। इस पर हमारे शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसे मंत्रों द्वारा ही मारा जा सकता है। मंत्रों द्वारा? हाँ मंत्र। मुझे वो वान उसके हृदय के बीचों बीच भेदनी होगी, परंतु इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम सिर्फ उसका ध्यान विचलित करना। आप दोनों का धन्यवाद। मनुष्य ने पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया था जिसके फलस्वरूप कली के प्रभाव ने मुझे एक राक्षस में बदल दिया। इससे मुझे तभी मुक्ति मिल सकती थी जब कोई मनुष्य मंत्रों द्वारा मेरा वध करे। उचित समय आने पर मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तुम अगर उचित समय पर बाण न चलाते तो शायद आज मैं उस राक्षस का भोजन बन जाता। अचानक तूफान कहां से आ गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उह!
जय हनुमान तेरी है जयकार, संकट हरने वाले तुम हो अवतार, हर हृदय में तुम हो बसे। हनुमान, तुम शायद भूल रहे हो कली, तुम्हें रोकने के लिए ही आज भी मैं इस धरती पर मौजूद हूँ। तुम ही भूल रहे हो हनुमान, ये मेरा युग है, ये कली का युग है, और समय के साथ साथ मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ती रहेगी। कली ने युद्ध की चेतावनी दे दी है, समय आ गया है देवताओं के दिए हुए अस्त्रों को प्राप्त करने का। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है शक्तिमान, ये धर्म युद्ध है।